सम्मान करे, सास ससुर की सेवा करे, कभी अपने मुख से ऐसे वचन ना निकाले कि किसी को कष्ट हो। प्रयास ऐसा ही करो कि आप इतना कड़वा मत बोलो कि किसी के दिल को ठेस लगे। अरे यदि दो शब्द आपको वो सुना देता है तो सुन लो, वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आए। सज्जनों याद रखना, वही डाली झुका करती है वृक्ष की जिसमें फल ज्यादा होते हैं। आप में वजन होगा तभी अपनों के सामने आप झुकोगे, वरना ऐसे खाली पीली किसी को सूखी लकड़ी को मोड़ो तो वो मुड़ेगी थोड़ी, वो तो टूट जाएगी। आप में कुछ होगा तो ही आप झुकेंगे। सुनीति सुंदर नीति पर चलती है और सुरुचि, आजकल सुनीति कम सुरुचि ज्यादा हो गई है। सुरुचि यानी किसी से रुचि ही नहीं, बस अपने में मस्त, अपने मोबाइल में मस्त, अपने पति को पहचानती और किसी को नहीं। मेरे पति का है, आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि पत्नियां बहुएं माँ से ही कहती हैं, उसके माँ से ही कहती हैं कि मेरे पति का सामान है तुमने क्यों ले लिया, मेरे पति का सामान उठा के अंदर रखेंगे, मेरे पति का है। तुम पति कहाँ से लाई थी, मायके से दहेज में लेके आई का पति को। अरे इतना सुंदर तुम्हें पति दिया, सब कुछ तुम्हें दे दिया, बेचारे को दो वक्त की रोटी चाहिए सास ससुर को, वो भी नहीं दिया जाता आपसे। आप लोग कहेंगे दीदी बहुत खराब है, बहुत बुराई करती है हम सब लोगों की। बता जो भी कहना है तो बाद में आप गाली दे लियो, हमें बुरा नहीं लगे। किसी की बात को हम बुरा मानते ही नहीं है, क्योंकि यदि हम ही बुरा मानने लगे तो फिर हम दूसरे को क्या सिखाएंगे। सुनीति जैसे बनो, सुरुचि माने अपने आप में रुचि रखना, कोई अच्छा ही नहीं लगता और सुरुचि को कोई नहीं अच्छा लगता था। ऐसे ही जब सुनीति को घर से निकाल दिया था, बोली जब इसे घर से निकाल दोगे तब मैं घर जाऊंगी, लेकिन ऐसा ही किया, घर से निकाल दिया, पर वो गर्भ से थी। एक संत का आश्रय मिला, वहां पर जाकर के उन्होंने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया है। एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी के मुख से निकल आया कि मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। ध्रुव जी ने सोचा ये पिताजी क्या चीज होती है, ये भी जीवन में कोई खिलौना होगा पिताजी। उन्होंने पूछा मित्र से, अरे ये पिताजी क्या है, अरे बोले तू पागल है, तेरे पिताजी नहीं है। मैं नहीं जानता पिताजी क्या है, अरे बोले तू जानता है और तेरे है भी, ये जो बड़ी सी बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है ये तेरे पिताजी का ही तो है। अब बालक तो बालक, वो जिद में अड़ गया, माँ के पास गया, माँ आपने हमें कभी पिताजी के बारे में नहीं बताया। सुनीति ने सोचा पता नहीं बच्चे के दिमाग में किसी ने क्या भर दिया। समझाने का प्रयास किया, बालक नहीं माना, आदेश दे दिया ठीक है तुम मिलना चाहते हो पिता से तो जाओ, जो इस महल में उच्च सिंहासन पर बैठे होंगे वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी दौड़ते अपनी बाहों को फैला करके दौड़े दौड़े जा रहे हैं और जैसे ही देखा पिताजी ने, जैसे ही देखा उन्होंने भी अपनी बाहों को फैला दिया। प्रियव्रत ने दोनों बाहों को फैलाया, पुत्र को स्नेह कौन नहीं करना चाहता, लेकिन सौतेली माँ बीच में आ गई और जैसे ही उठा करके अपने हृदय से लगाया, गोदी में बिठाया, उसने झट से हाथ पकड़ा और वहीं से पटक दिया। बोली अरे दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत, उसको भी एक पुत्र है, नाम है उत्तम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आ गया हमारे महल में और महल में आने के बाद सिंहासन पर बैठता है, आज पिता की गोदी में बैठ रहा कल खुद ही सिंहासन पर बैठ जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर
मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, जा, यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, बहुत बड़ी बात कह दी, तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान का भजन कर और भगवान की तपस्या करके जब वो तुझे प्रसन्न हो कहे कि वरदान मांगो तो वरदान मांगना कि तू मेरी कोख से जन्म लेकर के आए। उसने अपनी कोख को, अपने गर्भ को इतना ऊंचा स्थान दे दिया, मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेकर के आएगा तब तुझे अधिकार होगा कि तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। बालक तो बालक, अबोध बालक है, उसको ये बात लग गई। सज्जनों, माँ से रो रो करके कहने लगा, लेकिन धन्य है माँ, सुनीति धन्य है, कह रही है अगर और कोई होता तो सौतेली माँ की तो आज खैर नहीं थी। अरे पहले तो तुमने मौकू निकाल दियो घर से, आज मेरे तुम्हें नाना को भी मार के गिरा दियो। लेकिन सुनीति कह रही इसमें गलती क्या किया तुम्हारी माँ, अरे मैंने तुम्हारे साथ शत्रुता का व्यवहार किया, मैं खुद तुम्हारी माँ होकर के नहीं कहा कि भगवान का भजन करो, कितनी सुंदर बात कहती। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें ऐसा सुंदर अवसर दिया है, जाओ पुत्र तुम बन जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। गले में सुंदर तुलसी की माला पहनाई, चंदन लगाया और कौपीन पहना करके 5 वर्षीय ध्रुव जी को वन की ओर जाने के लिए तैयार कर दिया और आशीर्वाद दिया है। अब हमारे बीच ध्रुव जी महाराज प्रहार रहे हैं, ध्रुव जी चले जा रहे हैं। इतने में संत कृपा होती है, संत नारद जी महाराज का आगमन होता है। सज्जनों, नारद जी भी हमारे बीच पधार रहे हैं। नारद जी महाराज आए, नारद जी का काम क्या है, सदैव नारायण नारायण संकीर्तन करते थे। श्रीमन नारायण 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 परीक्षा में भी पास हुआ बालक। ये जाप कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो सारे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की सबकी सांस रुक गई। सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए घबराने लगे, सबका कंठ अवरुद्ध होने लगा, श्वास रुकने लगी। सभी ब्रह्मा जी के पास आए दौड़े दौड़े, अरे ये क्या हो रहा है, हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि तुम्हें नारायण के पास चलना होगा, नारायण का एक भक्त है, नन्हा सा भक्त है, वो अपनी सांस को रोक करके बैठा हुआ है और प्रभु का भजन कर रहा है। नारायण
के नेत्र जैसे खुले प्रसन्न हो गए हैं। नारायण भगवान आज दर्शन देने नहीं दर्शन करने आ रहे हैं। नारायण भगवान जैसे ही आकर के नारायण ने अपने शंख को कपोलों से स्पर्श किया, गाल पे स्पर्श किया, वेद वेदांतों की ध्वनि करने लगे। ऐसे बढ़िया उन्होंने स्तुति करी, नारायण प्रसन्न हो गए, प्रेम में विभल होकर के नारायण भगवान के नेत्रों से प्रेम रस धार बह रही थी ध्रुव जी के लिए। अब नारायण कहते हैं, मांगो बेटा, बिठा दीजिए कुर्सी में, तो बिठा दीजिए, मांगो क्या चाहते हो। अब नारायण का दर्शन करने के बाद शायद ही कोई होगा जो संसार से कुछ मांगे, संसार की वस्तु मांगे, संसार वालों को मांगे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब आपको देखने के बाद कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हो रही, अब तो मैं क्या चाहता हूँ आपसे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, हे श्याम सुंदर, हे नारायण प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आए थे जब चारों धाम वृंदावन में भी ब्रज में ही चारों धाम आते हैं, तो जब ब्रज चारों धाम जाओ तो ध्रुव टीला का दर्शन होता है। यमुना नदी का किनारा है, बढ़िया सुंदर वट वृक्ष है, वहां पर प्रहलाद जी दोनों को बिठा करके वहां पर प्रहलाद जी ने अपना बढ़िया आसन जमाया है। लेकिन इससे पहले नारद जी ने छवि बता दी थी कि हमारे कन्हैया का स्वरूप कैसा है, नारायण का स्वरूप कैसा है। वंशी विभूषित करा नव नीरदा भार, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरो परम के पिता तुम जाने। ऐसी सुंदर छवि है, अब उस छवि को नैनों में बसाया और ध्रुव जी ने अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया। आप सभी बोलिएगा, ये मंत्र बहुत ही पापों का नाश करता है, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग तालियों से सेवा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित श्री वैभव चतुर्वेदी करके दान दिया है। यदि आपके मन में भी आपकी झांकी आपके मन को मोह रही हो तो आप प्रणाम कर सकते हैं। नहीं पैसे लाए तो कोई बात नहीं है, आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम
अगर ये भी नहीं करना तो मन से प्रणाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, 3 दिन के बाद इन्होंने फल खाया। 3 दिन के बाद ऐसे ही आगे चल चल करके ये 6 दिन कर दिए। और 6 दिन के बाद क्या खाया? खाना छोड़ दिया, फल के नेत्रों में, और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे जब और समय बीता तो इन्होंने 9 दिन में केवल 1 दिन जलपान किया। जल 5 वर्षीय बालक है। यदि आपको कोई कह दे कि व्रत कर लो तो सातों पुर खत्म जाते हैं। कहाँ से व्रत करें, इतनी भूख लगती है, और व्रत करें भी तो फिर भाई खाने की व्यवस्था पहले से ही सोचनी पड़ती है। लेकिन भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, बालक अब तो 9 क्या। अब उन्होंने क्या किया, जल को भी छोड़ दिया। अब तो वो अपनी श्वास को 3 दिन के बाद 1 बार श्वास लेते और बस भगवान का जाप चल रहा है। जब उन्होंने अपनी श्वास को रोका सज्जनों, तो पूरे संसार में हाहाकार मचने लगा। इतना छोटा बालक, इतना नन्हा सा बालक, उसने श्वास को रोक करके खड़े होकर के दाहिने पैर के केवल अंगूठे संसार से प्रेम होगा। बार बार खाओगे भोजन सठ व्यंजन के, बार बार जिभ्या ये मांगेगी मंगावेगी। जितने भोजन करोगे, जितने व्यंजन खाओगे, ये जिभ्या का काम क्या है? रसना का कुछ और मिलना चाहिए। अभी रसगुल्ले तो खा लिए, लेकिन रबड़ी खाने में बड़ा मजा आता है। रबड़ी मिल जाए तो आनंद आ जाए। ये रसना हमारी, हमें भगवान के भजन में विक्षेप, ये हमें भजन नहीं करने देते। बार बार खाओगे भोजन सठ व्यंजन के, बार बार जिभ्या हमसे मांगे और मंगावेगी। तो फिर क्या करें? बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसी घड़ी फिर नहीं आवेगी। पता नहीं दोबारा मानव जीवन मिले ना मिले। जब उनका बुढ़ापा आया, पूरा समय हिरण में लगाते, एक दिन क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई, और जब उनके प्राण निकले अंत समय हिरण का।